डॉक्टर बी आर बुद्धपुरी, बुद्ध जी जानना चाहेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसका क्या महत्व है और बुद्ध जी ने क्या प्रकार मतलब संदेश दिया था हम लोगों के लिए? सबसे पहले तथागत बुद्ध की त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ और लगभग 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह परित्याग किया मानव कल्याण के लिए। कुछ लोग गृह परित्याग को पाली भाषा में महाअभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। कई एक फैक्टर हैं जिससे कि तथागत बुद्ध ने गृह परित्याग किया। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा है कि निरंजना नदी के पानी के बंटवारे के लिए कोली और शाक्य वंश में जब झगड़ा की स्थिति पैदा होती है, हिंसा होने पे उतारू हो जाता है, तब सिद्धार्थ जो है संघ में सम्मिलित होते हैं और उन्होंने कहा कि भाई मुझे हिंसा पसंद नहीं है और मैं इसके बदले में आप मुझे दंड निकाला दंड दे सकते हैं और मैं गृह परित्याग कर सकता हूँ। उन्होंने मानव कल्याण के लिए जब गृह परित्याग किया 19 वर्ष की अवस्था में, तमाम जगहों पर उन्होंने अपने सार्थक खोज के लिए प्रयास किया लेकिन वो खोज प्राप्त नहीं हो सका। अंत में उनको बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे लगभग 40 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वो उन्हीं साथियों को बुद्धत्व के बारे में बताने के लिए फिर सारनाथ आए और सारनाथ में उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म देशना दिया आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। और उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही सबसे पहले धम्म में 61 भिक्षुओं को भी दीक्षित किया था और उन्होंने कहा था कि भिक्षुओं को कि मानव कल्याण के लिए आपको अकेले ही जाना है और सबको धर्म के बारे में बताना। बुद्ध ने कहा सब्बे सत्ता सुखी वंतु सब्बे वंतु चखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःखमागम। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ये मानव कल्याण के लिए बुद्ध ने कहा। सबसे पहले बुद्ध ने धम्मपद की गाथा 183 में श्रावस्ती में उन्होंने एक गाथा कही थी, वो था सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सत्चित्त परियोजनम यत बुद्धान शासनम। ये बुद्धों की शिक्षा है कि सभी लोग अपने अच्छे काम को करें, बुरे कामों का परित्याग करें और अच्छे काम में ही भलाई है, बुरे काम की सत्संगति कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद तथागत बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बन सकते हैं, मानव कल्याण कर सकते हैं और मानव ज्योति रूपी ज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा बहुजन कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आप मानव कल्याण के लिए जो भी काम कर सकते हैं करना चाहिए, इसी में आपका सर्वोत्तम भलाई है। तथागत बुद्ध ने कहा अत्तानि नाथो नाथो कोई परोशिया, स्वयं आप अपने मालिक हैं, कोई आपका दूसरा मालिक नहीं है, आप अपना विकास अपने अच्छे कर्मों से कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने सबसे पहले जो बात ढूंढी वो आर्य चार सत्य था। उन्होंने कहा कि इस संसार में दुख है, उस दुख का कारण है, उस दुख का निवारण है और उस दुख के निवारण का रास्ता है। ये चार आर्य सत्य उन्होंने ढूंढा और इसके बाद उन्होंने इस चार आर्य सत्य को कम
काम करने के लिए, मानव कल्याण के लिए मध्यम मार्ग दिया, उसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मान, सम्यक स्वास्थ्य, सम्यक समाधि और सम्यक आजीविका, इसके मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से प्रत्येक मानव अपनी जिंदगी की सार्थकता को पूरा कर सकता है। इसके बाद तथागत बुद्ध ने दिया कि 10 पारमिताएं हैं, उसमें सबसे बढ़िया जो पारमिता है दान पारमिता है। यदि आप तृष्णा को खत्म कर देते हैं और तृष्णा को खत्म करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को कोई देते हैं दान में चीज, वहां पर जो है वो दान पारमिता पूरी मानी जाती है और यही दान पारमिता ही मानव कल्याण के लिए सक्षम है, सामर्थ्य है और कल्याणकारी है।